हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी विद जॉब अलर्ट में। आज हम डिस्कस करेंगे 3 फरवरी 2020 की जीके एंड करंट अफेयर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जो मिलते रहें। तो पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए हाल ही में गंगा वोल्गा संवाद का पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, उस देश का नाम बताना है। एक देश है भारत। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी बांग्लादेश, उस देश का नाम बताना है। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी रूस। भारत और रूस देश के बीच है जो द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए हाल ही में गंगा वोल्गा संवाद का पहला संस्करण है जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, एसटीएम में महिलाओं पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन भविष्य का दृश्य नया स्काईलाइन हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया था? मुंबई में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में या फिर कोलकाता शहर में? सो वो शहर था ऑप्शन बी नई दिल्ली। नई दिल्ली में है जो अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन भविष्य का दृश्य नया स्काईलाइन है जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, पूरे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या है? मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता, सभी के लिए मतदान का अधिकार, नैतिक मतदान या फिर सबसे पहले वोटिंग? पूरे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम बताना है क्या है। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता, पूरे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस राज्य के कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, उस राज्य का नाम बताना है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी हरियाणा राज्य के साथ। एक तो भारत है, इसने है जो किस राज्य के साथ है जो कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, उस राज्य का नाम है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक ने बैंकिंग पायनियर बैंकिंग नामक अपना धन प्रबंधन मंच है जो लॉन्च किया है, उस निजी क्षेत्र के बैंकिंग का नाम बताना है। जैसे कि पहले ऑप्शन है ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक या फिर इंडसइंड बैंक, उस बैंक का नाम है ऑप्शन डी इंडसइंड बैंक, जिसने है जो भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक ने है जो बैंकिंग पायनियर बैंकिंग नामक अपना धन प्रबंधन लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, WEF लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल होने के लिए भारत ने किस स्टील प्लांट को हाल ही में WEF वार्षिक बैठक में सम्मानित किया है? सलेम स्टील प्लांट, टाटा स्टील कलिंगनगर, विजयनगर स्टील प्लांट या फिर विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी टाटा स्टील कलिंगनगर, जिसमें है जो WEF वार्षिक बैठक में सम्मानित किया गया है इस स्टील प्लांट को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन द्वारा डिजिटल मुद्रा प्रशासन के लिए ग्लोबल कंसोर्टियम की घोषणा की गई है? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर विश्व
व्यापार संगठन के द्वारा, उस संगठन का नाम बताना है। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, विश्व आर्थिक मंच। इस संगठन द्वारा है जो डिजिटल मुद्रा प्रशासन के लिए ग्लोबल कंसोर्टियम की घोषणा की गई है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे जायर मेसियस बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं? अर्जेंटीना के, ब्राज़ील के, फ्रांस के या फिर जर्मनी के राष्ट्रपति हैं? सुबह राष्ट्रपति हैं ब्राज़ील के, इसका नाम है जायर मेसियस बोल्सोनारो, ब्राज़ील के जे राष्ट्रपति हैं जो गणतंत्र दिवस के समारोह पर है जो बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर है जो शिरकत करने पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन हाल ही में किस दक्षिण एशियाई देश में किया गया जिसका विषय अंडर द वर्ल्ड है? उस देश का नाम बताना है, इसे भी आप अंदाजा लगा सकते हो। दक्षिण एशियाई देश, ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भारत। सुबह देश था ऑप्शन बी बांग्लादेश में है जो इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है बांग्लादेश में, जो दक्षिण एशियाई देश है, जिसका विषय था अंडर द वर्ल्ड। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने असुगंज अखौरा सड़क को 4 लेन राजमार्ग में है जो अपग्रेड करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ या फिर नेपाल के साथ? सो वो देश है ऑप्शन बी बांग्लादेश, इस देश के साथ है जो भारत ने असुगंज अखौरा सड़क को 4 लेन राजमार्ग में अपग्रेड करने के लिए समझौता किया है भारत ने बांग्लादेश के साथ। सो गाइस ये आज की जीके एंड करंट अफेयर थी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट और आगे शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताजो आपको इसी तरह जीके एंड करंट अफेयर के MCQ क्वेश्चन है जो मिलते रहें। सो मिलते हैं अगली जीके एंड करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।